और इसमें मैंने एक कप पानी ऐड करके उसकी चाशनी सी बना ली है। अब चूरी को हमने पीस लिया है और इसको चूरी को मैंने पीस के छलनी में से निकाल लिया है। और अब इसमें गुड़ की चाशनी ऐड कर लेंगे थोड़ी थोड़ी करके और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब मैंने इसमें चाशनी गुड़ की ऐड कर ली है। अब इस पे नट्स ऐड कर लेंगे। ये मैंने ग्रेटेड बादाम ऐड कर लिए हैं, ये किशमिश। इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट आप जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था, मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। इसमें हम रोस्टेड सौंफ भी ऐड कर लेंगे। पहले इसको भून लेंगे। अब मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लिया है। अब हम जितना चाहें इसमें से चूरी लेके इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने घी गरम करके हल्का सा इस पे मैंने चूरी ऐड कर ली है। अब इसमें पानी हल्का हल्का मैं डाल के इसको रोस्ट कर लूंगी। हम सारी अचूरी को इस तरह नहीं करेंगे, जितना हम खाएंगे साथ साथ उसमें लेके हम रोस्ट करते जाएंगे। ये रोस्ट हो गई है, इसको ना ज़्यादा रोस्ट करेंगे कि हार्ड हो जाए और ना ज़्यादा लाइट रोस्ट करेंगे कि कच्चापन रह जाए। ये देखें, ये अलग अलग हो गई है और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, तो ये रोस्ट हो गया है। अब ये खाने के लिए तैयार है। अब इसको स्लो फ्लेम पे आपने कुक करना है कि ताकि जले नहीं और अंदर से पक जाए। अब फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। इस पे मैंने 1/2 kg गुड़ ऐड किया है। अगर आप मीठा, क्योंकि ये इतना मीठा नहीं है, अगर आप मीठा खाते हैं तो गुड़ की मिकदार ज़्यादा कर दें। अब इसको डिश में डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चूरी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जो नए देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। फिर नए रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।